लोगों के हमले, इन सब से निपटते हुए इस पार्टी को ही इस स्तर तक लाए। जरूर सर करें भैया, करेंगे। मतलब उनका ये कहना है कि मैं अपने दम पर, अपने बल पर यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ तक पहुंचा, तो क्या घमंड की बात है? बिल्कुल पूरे घमंड की बात है। वो उनका क्या अस्तित्व नहीं था कुछ। जो आज इमरजेंसी में हम लोग 1919 महीने में बंद रहे, तो सुल्तान गुप्ता किसी ने बंद किया था क्या? सर आप एक पिता और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में किसको चुनेंगे चुनावी परिणाम के बाद? मतलब एक पिता का दायित्व कह रहा है कि अगर आपके बेटे जो है वो कांग्रेस से मिला और एक इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता है या भाजपा की, जिनके ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो चुनावी परिणाम के बाद आप कोई डिसीजन लेंगे? अगर चुनाव में मेरा लगता चुनाव जीतता है तो उसे बधाई दूंगा, उसे और आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। उसमें कोई छिपी हुई बात थोड़ी, मेरा लड़का सबसे पहले है। आपने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय द्वारा माफ़ी मांगे जाने के बाद आप इस बात को अब सिर्फ पार्टी संगठन पे छोड़ते हैं, अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती तो क्या कदम हो सकता था आपका? मेरे से माफ़ी मांगना या कैलाश विजयवर्गीय से माफ़ी मांगना या मेरे नहीं, आपसे माफ़ी मांगी कैलाश विजयवर्गीय ने? नहीं नहीं, उनका ऐसा कैलाश विजयवर्गीय से मेरी बात हुई। हाँ, उन्होंने कहा क्या बोलते, मैंने पत्रकार परिषद में तुम्हारा मसला रख दिया है और उसमें तुम्हारे से खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये इस बात को मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया है। सर ये लगता है कि इस तरह से इतने वर्षों तक जो आपने पार्टी को दिया उसके बाद ये सिला मिलता है, तो अब कई ऐसा कि निष्ठा पर सवाल उठाया आपकी, लगता नहीं कि अब इससे दूर हो जाना चाहिए? अगर ये निष्ठा रहती तो आप लोगों को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप लोगों को बुला करके ये बात बताने की जरूरत है कि एक आदमी जो अदना आदमी, वो भले ही विधायक है, मैं विधायक नहीं हूँ, उसके बाद भी क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा अस्तित्व रखता हूँ। और उसके बाद वो मेरे से अगर मेरी पार्टी का आदमी ये कहता तो ये मेरे लिए सबसे दुख की बात है। मेरे को कांग्रेस के आदमी कोई कुछ कहे तो बुरा नहीं मानता मैं, इसलिए कि क्या बोलते मैंने कांग्रेस का नुकसान किया है। मैंने बीजेपी, मेरे को 89 में मैं जेल में था रासुका में, उस समय पटुआ जी ने मेरे को खरगोन से टिकट दिया था।